ग्वालियर शहर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में शिवराज सरकार लोकतंत्र कर रही है। लोकतंत्र का हनन, देश और प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में है। विधानसभा सत्र समाप्ति पर गोविंद सिंह ने कई सवाल खड़े किए। गोविंद सिंह का आरोप है कि जनहित के मुद्दों पर सरकार सदन में चर्चा से बच रही है और बहाना बनाकर सदन की बैठकों को टाला जा रहा है। विधानसभा में बाढ़ के हालातों और कोविड के नाम पर हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहती थी वहीं, लेकिन विपक्ष के सवालों से डर गई शिवराज सरकार। बाढ़ पीड़ितों को सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम संवैधानिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक सिस्टम है और इस सिस्टम में जनप्रतिनिधि, संवैधानिक संस्थाएं और मीडिया का चौथा स्तंभ आप लोगों से मिलकर के बना। अगर इसमें से एक भी चीज कमजोर हो जाती है तो पूरा प्रजातंत्र पर, आज हमारे संवैधानिक सिस्टम पर खतरा है और इस सब की लड़ाई आपको और हमको मिलकर के लड़नी पड़ेगी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चुनी जाती है और जनप्रतिनिधि जनता की आवाज संवैधानिक संस्थाओं में उठाते हैं, विधानसभा होती है, ये सब जानते हैं। मैं ओबीसी आरक्षण के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि शिवराज सिंह के समय 18/8/2020 को, उस समय शिवराज सिंह की सरकार थी, महाधिवक्ता ने ये लिख के दिया कोर्ट में कि ओबीसी आरक्षण 14% ही रखा जाए, 13% वापस लिया जाता है। इस कारण से ये कोर्ट का निर्णय हुआ है। अगर सरकार ठीक से ओबीसी आरक्षण के, ओबीसी के हितों को ठीक से रखती कोर्ट में तो ओबीसी आरक्षण 27% लागू हो जाता। बोले मैं आप सुनो, अर्जुन सिंह जी ने क्या समय बना था 1982-83 में सिंध नदी पर मेधा घाट का पुल, वो पुल सुरक्षित रह गया। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 2002 में पर्राज गांव लाहौर विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसका पुल बच गया। तीसरा पुल बना है 16 विधानसभा दतिया में, वो पुल बना था सुंदरलाल पटवा जी के कार्यकाल में, वो बह गया। इसके बाद अभी दो पुल बचे, दो पुल आए, एक तो आपका है ये लाच के पास सिंध नदी पर, वो पुल बह